गया में समाज सेवी रवि वर्णवाल उर्फ गुड्डू वर्णवाल ने वार्ड 36 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि कई वर्षों से वार्ड का यही हाल है, नालियों का गंदा पानी सड़कों पर भरा रहता है और इसी गंदगी में रहने को बेबस हैं। जिसके बाद वार्ड नंबर 36 में औचक निरीक्षण करते हुए समाज सेवी ने समस्या से निदान कराने के लिए लोगों को आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया, जब से घर बना है तभी से नाली व सड़क को लेकर वो वर्षों से समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी वार्ड पार्षद नहीं बना जो वार्ड की समस्या को मुक्त कर सके, वो समस्या का समाधान करा सके। सिर्फ कागज पर ही विकास देखने को मिलता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही देखने को नजर आती है। वहीं ये गंदा पानी गंभीर बीमारियों को आमंत्रण देता है, जिसके कारण बीमारी चपेट में भी कई लोग आ चुके हैं। विराट 24 के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो है लाखों करोड़ों का मकान बना हुआ है, तो निश्चित है कि हजारों नहीं लाखों में यहाँ से टैक्स जाता है। और पिछले 8 महीने से आगे चल करके एक नाला है, आप लोग देखिएगा, नाला बनाने के नाम पर इंटेंशनली परेशान करने का व्यवस्था किया गया है। बंदा है छोटा सा नाला और उसके चलते लगातार सभी प्रभावित हो रहे हैं। किस्मत मानिए कि इस वर्ष बारिश नहीं हुई अभी तक, अगर बारिश हो जाती तो शायद ये बाइट हम लोगों को मेन रोड पर देना पड़ रहा होता। नगर आयुक्त महोदया, आपको लगातार नगर निगम के सारे कर्मचारी और अफसर और ठेकेदार आपको बरगला रहा है, 8-9 महीने से नाला नहीं बनेगा। ये जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है कि जो लोग हमको समर्थन नहीं करते हैं, राजनीति के तहत इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सब जितना मानता है उनको भी अलग बहुत बहुत परेशानी है, बनाना चाहिए, ध्यान दीजिए सर। कब से यह स्थिति है? स्थिति तो 1 दिन से है, 6 महीना से है ऐसा, 3 साल से है, पर 6 महीना से क्या 3 साल से भोगिया भोग रहे हैं सर। और नली निकालता है, अब अथी करवे नहीं करता है, तो क्या किया जाए? हम लोग 3 साल से किराया लग रहा है, इसी बेकार में फालतू बिल्डिंग बना के अब अथी कर रहे हैं। वार्ड काउंसिलर से सुनबे नहीं करता है कि हम करवे, हम क्या कर, झाड़ू लगवे नहीं करता, कुछ होता है लाइट नहीं, कुछ भी तो नहीं है वार्ड का। ये वार्ड पार्षद का ही मतलब देन है कि अब तक नाला सफाई के नाम पर उड़ाही होता है, हल्का फुल्का नाला साफ कर दिया जाता है। हम लोग बार बार कहते हैं कि जेसीबी लाकर किसी तरह पूरे नाले को करें, एक नाला बन रहा है, पता न कहां से नाला बन रहा है। आज 6 महीना के 8 महीना हो गया, उन नाला को रोक दिया गया, अतिक्रमण करके पूरा पानी हम लोग के मोहल्ला में घुस रहा है पूरा। कौन सी है मोहल्ला, जगह का नाम? जगह का नाम है वार्ड नंबर 36 बासी टोला गली अहरापन ये है। और अब स्थिति है कि हम लोग बच्चा को मोटरसाइकिल से पार करना पड़ता है या गोदी में उठा कर पार करना पड़ता है। बहुत बरसात, संजोग है कि अभी बरसात नहीं हुआ है तो हम लोग ये झेल रहे हैं, अगर एक बारिश हो जाए तो हम लोग को चलना दुभर है, रोड पर चलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति है, हम लोग बहुत ही गंभीर समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। सब हर जगह कहते कहते थक गया, मैंने किसी, चाहे आप लोग आज आप लोग प्रशासन मीडिया के द्वारा हम सूचित करना चाहते हैं माननीय महोदय को कि कम से कम इस विषय वस्तु पर एकदम विशेष ध्यान दीजिए, ताकि ये सावन का महीना है, घर के महिला पूजा करने तक नहीं निकल पा रही है। ये स्थिति अभी हो चुकी है, आगे आप लोग की मर्जी।